अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मुगलई चिकन। आइए देखते हैं उसकी सामग्री। इसके लिए लिया है हमने 1 किलो चिकन। ये हमने लिया है 4 बड़ी प्याज का पेस्ट बना लिया है। ये हमने 2 शिमला मिर्च ली हैं जो हमने बारीक कट कर ली हैं। इसके लिए हमने ये धनिया लिया है, साबुत धनिया। और ये हमने 10-12 टुकड़े हमने काजू के लिए हैं। थोड़े से हमने मगज़ लिया है। ये हमने दूध के ऊपर की मलाई ली है 1 कटोरी। आप चाहें तो बाज़ार से क्रीम मंगा सकते हैं। ये हमने 1 कटोरी दही ली है। 2 चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। ये 4-5 हमने लाल मिर्ची ली है, साबुत लाल मिर्ची। और ये हमने थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है, ये तेज़पत्ता लिया है। अब हम पैन में अपना मसाला रोस्ट करेंगे। ये हमने डाल दी है लाल मिर्ची। अब डाल देते हैं धनिया, काजू, मगज, और ये अपना मसाला। ये हमको हल्के से भूनने हैं। फ्लेम को अपने मीडियम रखें। ये हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये तेल हमने 200 ग्राम लिया है। इसमें डाल देते हैं अपना मसाला, थोड़ा सा डाल देते हैं अब तेज पत्ता। तेल इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। अब डाल देते हैं हम अपना प्याज और इस पत्ते को भून देते हैं। ये हमें अच्छे से भूननी है। थोड़ी सी सुनहरी होने तक। ये देखिए हमारी प्याज भून चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं हम लहसुन का पेस्ट। ये हमारे भून चुके हैं। लहसुन की इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब डाल देते हैं इसका चिकन। चिकन आप धोकर साफ सुथरा करके नेट की बास्केट में रख दें ताकि इसका पानी निकल जाए। इसको हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये हमने 1 कटोरी टमाटर की प्योरी ली है। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। ये हमने 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम रोस्ट किया हुआ अपना मसाला और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये भून चुका है, तेल इसमें ऊपर आ गया है। देखिए अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी और कलर आने के लिए मिर्ची हमने पहले भी डाली है इसमें, जो हमने रोस्ट कर ग्राइंड की थी। इसीलिए हम इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं कलर आने के लिए। और नमक आप स्वाद अनुसार डालें। हम
हम एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये देखिए हमारे सभी मसाले भुन चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं तेल भी ऊपर आ चुका है और ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं हम अपनी हरी शिमला मिर्ची। और अब डाल देते हैं हम अपनी इसमें मलाई। ये देखिए हमारा ये गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं दही। ये हम डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच चिकन मसाला, मुगलई चिकन मसाला हमने लिया था। अब आपको इसे सिलो, ये देखिए अगर आप इसमें पानी डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये ऐसा ही चाहिए, इसलिए हम इसको स्लो फ्लेम करके और ढककर रख देते हैं। इसको पकाते हैं 10-15 मिनट तक अपना चिकन गलाने तक। ये हमने 15-20 मिनट पकाने के बाद अपने फ्लेम को बंद कर दिया था। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा चिकन तैयार है। दिखाते हैं आपको सर्व करके। ये हमारा मुगलई चिकन तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।